हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। रिसेंटली कल मैं किसी एक जगह पे गई हुई थी एंड वहाँ पे मुझे मेरा लाइक कोई एक फॉलोअर मिली एंड उनसे मेरी जब डिस्कशन हुई, बात हुई, तो उनका वेट जो है वो बिल्कुल ठीक है एज पर हर हाइट, बट वो जैसे जैसे ग्रो कर रही है, उन्होंने जो मुझे केस समझाया, उनका ना बेली जो है वो बलून की तरह बाहर आता जा रहा है। मतलब पियर शेप बॉडी हो रही है एंड एप्पल शेप का बॉडी निकलता आ रहा है। एंड वो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप दूर से भी किसी को देखोगे, पूरा बॉडी पतला है बट बेली इतना ज़्यादा है, लटका हुआ है और एकदम बलून की तरह बाहर है, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। नहीं, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी टॉप 5 स्मूदीज जो कि हम डिनर में लेंगे फॉर फ्लैट बेली, एंड ये समर्स की स्मूदीज हैं। सो अब हम बात करेंगे बेली फैट एंड उसके रीजंस। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों का वेट बैलेंस चल रहा है, ठीक है, या फिर आप क्रैश डाइट पे भी चल रहे हो या फिर आप लो कार्ब डाइट पे भी चल रहे हो, चलते फिरते आपने कुछ मीठा डाल लिया क्विक एनर्जी के लिए, या फिर चलते फिरते आपका मीठा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा चीनी वाली, आपका पानी का इनटेक कम है बट कॉफ़ी कैफीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपके डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर रिलेटेड आइटम्स बहुत ज़्यादा आप ऐड कर रहे हो, आपकी पुअर स्लीप है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है, एंड आपके टाइमिंग्स जो हैं फूड के वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। सो आपका मेटाबॉलिक रेट, इट मींस, बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स आते हैं हमारे बेली के ऊपर। बेली की फैट की अपनी अपनी एक लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप एज में हो लाइक 25 to 30, तब बेली फैट जल्दी जाएगा। जैसे जैसे 31 क्रॉस करोगे, 32 क्रॉस करोगे, 33, 34 टू 40 के बीच का जो फैट होता है बेली का, वो निकलने में टाइम लगता है। उसका कारण ये होता है कि बॉडी धीरे धीरे डिक्रीज कर देती है हमारा एस्ट्रोजन लेवल, एंड उससे क्या होता है कि जो फैट का परसेंटेज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो सब डगमगा जाता है बॉडी से। सो इक्वल टू रिजल्ट आता है, सारा का सारा फैट जो आ जाता है हमारे बेली के ऊपर एकदम लटकता हुआ गोला गोला सा। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हमको बेली फैट रिड्यूस करना होता है, हमें डिनर को बहुत ज़्यादा टाइट करना ही पड़ता है, उसके लिए हमारी स्मूदीज हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल क्रैश डाइट करके तोड़ दो, मचोड़ दो, एंड उसके बाद जब आप खाना चालू करो तब आपका 3 गुना फैट जो है वो बढ़ जाए। सबसे पहली एंड बेसिक चीज़, आपको स्लीप पे सीरियसली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब मेरा रोका था, मेरा जो स्लीप था वो 15 से 20 दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं था, मतलब इट्स लाइक बिल्कुल भी निल, बिकॉज सब कुछ मेरे को खुद ही मैनेज करना था। सो इक्वल टू मेरा जो टमी था वो बिल्कुल ब्लोट हो गया था, अच्छा खासा ब्लोट हो गया था। सेकेंड इज, अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका बेली फैट कभी भी नहीं जाएगा, 8 आवर्स का स्लीप आपको डेफिनेटली चाहिए। सेकेंड आपके फूड के फिक्स करने हैं टाइमिंग्स को, आपके मॉर्निंग ड्रिंक, लंच, ब्रेकफास्ट, आपका इवनिंग का स्नैकिंग, डिनर एंड नाइट ड्रिंक, इनके जो टाइमिंग्स आपको फिक्स करके चलने, बीट अगर आप वेट मैनेजमेंट पे भी हो तब भी। नेक्स्ट, आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो हमेशा मैं बोलती हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शुगर को बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा डेट्स भी खा रहे हो सोच के कि ये हेल्दी है, उसको कट ऑफ कर दो। अगर आप चीनी वाली चाय पीते हो उसको कट ऑफ कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते बहुत ज़्यादा लड्डू बना रखे जिसमें एक्सेस ऑफ मीठ आएगी, यानी देसी गांड सुमन ने बोल रखा है खाने के लिए, तो हमने उसको ठोक के डाल रखा है, देन अगेन वो भी नुकसान देगा आपको। सो मेक श्योर आपकी डाइट से शुगर का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता चला जाए, उससे आपकी बॉडी जो है वो बेली फैट को रिड्यूस कर देगी। बट आपको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट में, जब भी आप बेली फैट पे ध्यान दोगे और डिनर को टाइट करोगे। लंच में मेक श्योर आप गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन, एग्स, अपनी फिश डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, देन आप वेज प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं उसको आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, लेंटिस ऐड करेंगे, आप खूब सारे आपके ब्लैक चना ऐड कीजिए, राजमा ऐड करें, राजमा की सैलड बनाएं, खूब सारी टिक्कीज बनाएं आपकी वाइट चने की, सोया को ऐड कर सकते हैं आप, पनीर ऐड कीजिए, पनीर की सैलड्स ऐड कीजिए, बहुत सारे सोर्सेज है वेजिटेरियन में भी प्रोटीन्स के। एंड उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। मेक श्योर कि अगर आप किसी भी टाइप की डाइट पे अपने आप को स्विच कर रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट हैवी करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छे साइज में करना पड़ेगा। और ये जो स्मूदीज हैं ये डिनर की हैं, और डिनर कितने बजे होना चाहिए आपका, 6:30 to 7:30 के बीच में, और 10 बजे तक आपको सोने जाना ही जाना है। अगर आपका नाइट शिफ्ट चल रहा है, देन मेक श्योर कि आपके स्लीप के जो टाइमिंग्स हैं और आपका डिनर का जो टाइमिंग है उसमें कम से कम 4 से 4.5 घंटे का गैप होना ही चाहिए। अब चलते हैं किचन में और अब हम बनाते हैं हमारी फ्लैट बेली की टॉप 5 स्मूदीज। ओके, फर्स्ट स्मूदी हम बनाएंगे पाइनएप्पल लेमन एंड ओट्स स्मूदी। यहाँ पे मेरे पास है पाइनएप्पल्स, यहाँ पे मैं डालूंगी मेरे 2 से 3 स्लाइसेस पाइनएप्पल्स के। नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी मेरे ओट्स, इसमें
दो चम्मच जितने ओट्स, नेक्स्ट हाफ लेमन जूस, इसके अंदर मैं डालूंगी वाटर. ओके लेट्स ब्लेंड दिस. हियर वी गो, द स्मूदी इज रेडी. नेक्स्ट हम बना रहे हैं कीवी एंड कोकोनट एंड ओट स्मूदी. ये रही मेरे पास कीवी, मैं कीवी डालूंगी 1. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास कोकोनट है, यहाँ पर गरी वाला कोकोनट है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे ओट्स, 1 स्पून ऑफ ओट्स. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप वाटर. अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड करें. Here we go. हमारी कीवी ओट स्मूदी रेडी. ओके नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं पालक पाइनएप्पल स्मूदी. जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन मैसिव चल रहा है डाइट करके, वो लोग ये स्मूदीज लेंगे. ये रही मेरे पास पालक, मुट्ठी भर वॉश की हुई पालक मैंने इसमें डाली है. मेरे पास पाइनएप्पल के स्लाइसेस, 2 पाइनएप्पल के स्लाइसेस, 1 चम्मच ओट्स, इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑफ वाटर. एंड अब हम इसको ब्लेंड करेंगे. ओके सो हमारी ग्रीन स्मूदी रेडी. ओके नेक्स्ट स्मूदी हम बना रहे हैं पाइनएप्पल्स. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाले हैं मैंगो, 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल्स, 1/4 ऑफ मैंगो, ओट्स 1 चम्मच जितना. नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास हमारा पानी. एंड अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. ओके हमारी येलो स्मूदी बिल्कुल रेडी है. ओके नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं एप्पल स्मूदी. ये रहा है मेरे पास 1/2 एप्पल, 1 स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल, पिंच ऑफ जिंजर, 1/2 लेमन जूस. नेक्स्ट आई हैव दिस वाटर, 1 गिलास जितना पानी. अब इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे. The smoothie is ready. Welcome back. बहुत ही सिंपल स्मूदीज हैं, यम्मी हैं, टेस्टी हैं, फिलिंग है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि बाहर से थके आ रहे आए, 5 मिनट में बनाया और पी के ख़त्म. सो जो बेली है आपका, उसको बाय बाय करेंगे और अपने फिटेड क्लोथ्स में वापस आएंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम हेल्दी रहेंगे एंड फिट रहेंगे. सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय.